हेलो स्टूडेंट्स, आज की कम्युनिटी हेल्थ क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास का टॉपिक है बैक टेक्निक। बैक टेक्निक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ के प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले कि बैक टेक्निक है क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी। बैक टेक्निक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घर पर जाने के दौरान विभिन्न नर्सिंग सेवा प्रदान करने के लिए, कार्यों को करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य बैग के उपकरणों को तैयार करने, उपयोग करने में कौशल और ज्ञान का उपयोग किया जाए, वो बैग टेक्निक है। अब ये जो कम्युनिटी बैग है वो क्या है, इसे एक हेल्थ केयर बैग या नर्स बैग, सामुदायिक बैग, होम विजिटिंग बैग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक होम हेल्थ केयर बैग है जिसमें घर में स्वास्थ्य देखभाल के लिए सभी आवश्यक न्यूनतम उपकरण होते हैं। कम्युनिटी बैग कंधों पर लटकने के लिए एक विस्तृत पट्टा होने वाली और धोने योग्य सामग्री से बना होता है। ये देख सकते हैं कि ये जो एक पट्टा है, ये यहाँ से कंधे पे टांगने के लिए और यहाँ पर एक हाथ में पकड़ने के लिए होगा। इसमें दो प्रकार की पॉकेट शामिल होती है, आउटर पॉकेट्स और जो इनर पॉकेट्स, यानी बाहर की जेबें और अंदर की जेबें। तो इसमें बाहर की जेबें दो या दो से अधिक हो सकती हैं, एक ये है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, कई बार पीछे भी होती हैं, कम से कम दो और ज्यादा हो सके जरूरत के अनुसार। इसी प्रकार जो अंदर की जेबें हैं वो भी दो या दो से अधिक हो सकती हैं। बाहर की जेबों में जो न्यूनतम सामान है वो क्या होगा, बाहर की जेबों में न्यूनतम सामान एक पुराना समाचार पत्र या न्यूज पेपर, जिसे हम स्प्रेड करके बैग रखेंगे। अपशिष्ट बैग यानी पेपर बैग, वेस्ट पेपर बैग बनाने के लिए हमें कुछ और कागज भी जरूरत पड़ सकती हैं। फिर एक प्लास्टिक लिनन, वो हम हमारे वर्क एरिया तैयार करने के लिए रखेंगे, जैसे ग्रीन शीट भी हम ले सकते हैं उसके लिए मैकिंटोश के साथ। हैंड टॉवल, साबुन बॉक्स में साबुन, पॉकेट डायरी और पेन। इसके अलावा जो अंदर की जेब है उसमें हमारे वो आर्टिकल्स होंगे जो हमें वहां पर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि कम से कम आपके पास थर्मामीटर्स, कैंची जिसमें सर्जिकल और बैंडेज काटने के लिए, फोर्सेप्स होनी चाहिए, स्लाइड का एक बॉक्स होना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस होनी चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग्स, कॉटन बॉल्स, ओल्ड क्लैंप, माइक्रोपोर प्लास्टर, फिटोस्कोप, मेजरिंग टेप, ग्लव्स, बेबी स्केल, स्प्रिट लैम्प या एल्कोहल लैम्प, टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, किडनी ट्रे, बैंडेज और कुछ सॉल्यूशंस जैसे विटाडीन, स्प्रिट, बेनेटिक सॉल्यूशन, ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट और मेडिसिन जरूरत के अनुसार। इसके अलावा परिवार नियोजन गतिविधियों से संबंधित उपकरण होने चाहिए, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के लिए कॉन्डोम, मालाइन, मालाडी, आयरन, पोलिक एसिड, जो भी टेबलेट्स आपको जरूरत हो वो आप उसमें बैग में रखेंगे। इसके अलावा वजन पैमाने, जो आपके वेइंग मशीन है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है और स्टेथोस्कोप है, इनको अलग रखा जाता है, उसको बैग में नहीं डालते। उसके बाद इसके अलावा यात्रा के उद्देश्य के अनुसार कुछ अन्य उपकरण भी हम इनर पॉकेट्स में रख सकते हैं। अब आता है कि बैग टेक्निक क्या है, बैग टेक्निक के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले क्लाइंट के घर पर पहुंचने पर न्यूज़पेपर स्प्रेड करेंगे। पूछने के बाद, जैसा कि हमने होम विजिटिंग में स्टडी किया था, होम विजिटिंग वाले लेक्चर को आप देखने के लिए इस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जा सकते हैं, पूरी डिटेल होम विजिटिंग की वहां पर है। तो आप न्यूज़पेपर के ऊपर इस बैग को रख देंगे और जो इसका स्ट्रैप है वो इधर उधर फैला ना रहे उसको उसके नीचे लगा देंगे बैग। इसके बाद बैग ओपन करेंगे और उसमें से जो आपका मैकिंटोश और जो लिनन है उसको निकालेंगे और बैग के पास स्प्रेड कर लेंगे और उसको आपका क्या बनाएंगे, कार्यक्षेत्र बनाएंगे, ठीक है। हाथ धोने की प्रक्रिया के लिए जो बाहरी जेब में हमारे पास रखे हुए हैं हैंड टॉवल, ब्रश और सोप, उसको आप निकाल लेंगे और पूछेंगे फैमिली से कि हैंड वॉशिंग के लिए कहाँ जगह है। अगर वॉश बेसिन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उनसे कहेंगे कि एक बकेट और एक मग ले आए ताकि जरूरत पड़ने पर हैंड वॉशिंग प्रोसीजर के अनुसार की जा सके। उसके बाद सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले हैंड वॉशिंग करना ही है और हैंड वॉशिंग करते हुए भी आप इस प्रकार से सारे
स्टेप्स हैंड वॉशिंग के करें और फैमिली को भी सिखाएं कि हमेशा हैंड वॉशिंग इस प्रकार होना चाहिए। मिनिमम जो कॉन्टेक्ट एरिया है सोप और हैंड का वो 20-30 सेकेंड होना चाहिए, इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद वहीं पर अपने टावल से हाथों को पोंछें और अभी हैंड वॉशिंग का सामान वहीं रहने दें, क्योंकि प्रक्रिया जो नर्सिंग केयर करने के बाद हमें फिर से हैंड वॉश करना है। इसके बाद हम वापस अपने वर्क प्लेस में आएंगे और जो इनर पॉकेट्स हैं वो खोलकर पेशेंट जो परिवार की नीड के अनुसार कि क्या क्या हमें सामानों की जरूरत पड़ेगी वो बाहर निकालेंगे और कार्यक्षेत्र के कोने में रख देंगे और जो पेपर बैग है वो उस कार्यक्षेत्र से बाहर रखेंगे और फिर परिवार के आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग देखभाल और उपचार के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी नर्सिंग केयर है वो करेंगे पेशेंट की जरूरत के अनुसार, 1, 2, 3 जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो करेंगे। जब हमारा नर्सिंग देखभाल और उपचार पूरा हो जाएगा तो उस केयर के दौरान जितने भी हमने उपकरण यूज किए हैं उनको साफ करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, सेपरेट से भी क्लीन करेंगे, फिर से हाथों को धोएंगे जहां पर हमने पहले अपना सामान रखा था, हैंड वॉशिंग करेंगे, टावल से हाथों को पोंछेंगे, फिर वापस आकर बैग में सारे उपकरण उसके उचित स्थानों पर रख देंगे। उसके बाद जो हमारा लिनन है, प्लास्टिक लिनन जैसे मैकिंटोश वगैरह, उसको सही तरीके से फोल्ड करके उसके उचित स्थान पर आउटर पॉकेट में रख देंगे और जो हैंड वॉशिंग से संबंधित सामान था वो भी हमारा आउटर जो अनदर आउटर पॉकेट है उसमें आ जाएंगे। इसके बाद हम परिवार की आवश्यकता के अनुसार हेल्थ एजुकेशन प्रदान करेंगे। इसके लिए हमारे पास हेल्थ एजुकेशन मटेरियल भी हो सकता है, चार्ट वगैरह या पैम्पलेट वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मामलों पर पोस्ट विजिटिंग कॉन्फ्रेंस करें, परिवार के साथ बातचीत करें और अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए नोट्स तैयार करें। उसके बाद नोट्स, डेट्स, किस डेट को नेक्स्ट विजिट होनी है उसके बारे में भी घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत करके अपना नेक्स्ट विजिट को प्लान करें। थैंक यू। अब आप जो भी अपना आगे के लेक्चर में देखना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप देखकर नोट्स बना सकते हैं। मेरा ब्लॉग है mynursingstudents.blogspot.com और आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, उसे जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वहां पर आपको मैसेज मिल जाएंगे। यदि आप ट्विटर यूज करते हैं तो @student_support। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।